हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तनिष्क गोल्डन हर्बिट स्कीम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप इसे अच्छे तरीके समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब भी इसको स्कीम को आप स्टार्ट कराएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आप गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम को ओपन कराना चाहते हैं तो आप तनिष्क के किसी नज़दीकी स्टोर में जाएं। वहां पे जाने के बाद आपको जो वहां के जो स्टाफ हैं, किसी से भी आप कहें कि मुझे तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम को ओपन कराना है, तो आपको सारी प्रोसेस आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म भरा जाएगा और आपकी एक आईडी लगेगी। ये फॉर्म और आपकी ये आईडी इसलिए आपकी लगी जाती है ताकि आप भी सेफ रहें, और इसमें आपका जो फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि जो आप आईडी आप लगा रहे हो या फिर जो आपका नाम है बैंक में भी आपका वही नाम रहे, और जो आपका आधार कार्ड पे है उस पर भी आपका वही नाम रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक में कोई और नाम होता है और आपका जो आधार कार्ड पे होता है कोई और नाम होता है, इस वजह से इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जो गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम है, इसे आप स्टार्ट कराते हैं बाई चांस बीच में कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसमें जो होता है आपका जो पैसा होता है वो आपका रिफ़ंड हो जाता है। क्योंकि ये जो स्कीम है ये टोटली आपका गवर्नमेंट के अंदर होता है, जैसे एक बैंक की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि आप भी सेफ रहें। अपने सेफ्टी के लिए आप जो बैंक में पूरी डिटेल देते हैं, सेम वही डिटेल आप जो भी आप इसे स्टार्ट कराना जाएँ तो इसमें आप दें। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसमें ज़्यादा आपका टाइम लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका जब भी चेक बनेगा, आप पैसा नहीं जमा कर पा रहे हो या फिर आप ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहते हैं, पैसा पूरा पेमेंट कर दिए हैं, आपको कैश चाहिए, उसके लिए आपका जो ये कैश जब आपका वापस होता है तो जो तनिष्क होते हैं वो आपका चेक द्वारा आपका जो पैसा होता है बैंक में आपको वापस देते हैं। तो इसीलिए आप जब भी ये फॉर्म फिलअप करें तो नाम और अपनी आईडी ज़रूर ध्यान दें, डेट ऑफ बर्थ इसका भी आप कम्प्लीटली ध्यान दें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।